जैसे हमने कहा CO, ये दो एटम है, ये पॉजिटिव है देने की पोजीशन में, लेने की ऑक्सीजन 90% लेता है, सिर्फ एक ही जगह ऑक्सीजन देने की पोजीशन में होता है जब वो फ्लोरीन से कंबाइन करता है, वरना बाकी सब में ऑक्सीजन लेने की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन लेने की। अब ये अकेला नेगेटिव है, एक ही एटम से बना, एटम दो है लेकिन एलिमेंट एक ही है, एक ही एलिमेंट है, क्या कहते हैं इसे हम, कार्बन डाई ऑक्साइड, आइड की आवाज आई नहीं है। एक और लो Na2O, तो Na सोडियम को कहते हैं, जो ले, जो एलिमेंट ले रहा है वो, जो लेने वाला है वो एक ही एलिमेंट से बना है, तो आइड की आवाज आएगी, क्या कहते आएगा ये सोडियम ऑक्साइड MgS, ये देना मेटल हमेशा देने वाले होते हैं। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो एक ही एटम से बना है, एक ही एलिमेंट से बना है, सॉरी एक ही एटम नहीं, एक ही एलिमेंट, क्या कहलाएगा ये मैग्नीशियम सल्फर से बना सल्फाइड, क्या बनाएगा ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो देने वाला है उसका पूरा नाम लेते हैं। और जो ये जो आई वर्ड आता है ये नेगेटिव पार्ट के साथ आता है, विषय याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये क्या कहलाएगा सोडियम ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड, आई लग जाएगा नाम। और ले लो आप, जैसे आपने कहा Ca3N2, तब Ca कैल्शियम को कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देने की पोजीशन में तो उसको पूरा नाम लेते हैं कैल्शियम, आगे क्या बोलू नाइट्राइड, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से बना नाइट राइड, ऑक्सीजन था तो ऑक्साइड, खाली नाइट्रोजन था तो नाइट राइड, बात समझ में आया, ठीक है। अब जैसे आ गया KCN, तो के पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट था, नेगेटिव पार्ट था, पूरे एटम का पार्टी मॉलिक्यूल का चार्ज जीरो होता है, ठीक रहेगा पोटेशियम। अब ये जो है ये दो एटम से मिलके बना है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होता और नेगेटिव पार्ट में ऑक्सीजन नहीं होता तो आइड की आवाज आती है, खाली एक एलिमेंट हो तब भी और एक से ज्यादा एटम से मिलके बना है तब भी, एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, इसे कहते हैं साइनाइड, क्या बोलते हैं इसे, अब देखिए मैंने साइनाइड का सिंबल में 1 दिखाया है नेगेटिव पार्ट में, नीचे लिखो क्या दिखाता है, पोटेशियम साइनाइड मिला के दोनों को, सी फॉर कार्बन के लिए सी और नाइट्रोजन के लिए एन, दोनों को मिला के दे दिया साइनाइड। समझ में आया, अब आगे चलिए, अगर नेगेटिव पार्ट दो एलिमेंट से मिलकर बना है उसमें एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट से मिलकर बना उसमें एक, समझ में आया, जैसे SO4 SO3 Al2O3 Al2O3 ये भी नेगेटिव है, सॉरी Al2O2 सॉरी Al2O2 एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी है, चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसने लिया है या लेगा, ये दो चार्ज इंडिकेट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं या लेगा कंबाइन कर, तो अगर नेगेटिव पार्ट दो एटम्स एलिमेंट से मिलकर बन रहा है उसमें एक पार्ट कौन है, उसमें से कौन है ऑक्सीजन, कौन है उसमें, तो आवाज में या तो एट लगता है आखिर नाम में या आइड लगता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो आइड लगता है, ये हमने दिखा दिया, ऑक्सीजन नहीं है खाली एक ही एलिमेंट है तो आइड के बाद आई, जैसे खाली ऑक्सीजन है ऑक्साइड, खाली नाइट्रोजन है नाइट्राइड, खाली सल्फर है तो सल्फाइड, अब ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ गया, आ रहा है समझ में, ये नेगेटिव, अभी कंपाउंड नहीं बना, कंपाउंड बनते तो चार्ज खत्म हो जाता है, तो इसके नाम में नाम जो बनेगा वो सल्फर से शुरू होगा, सल्फर की उसमें वो आएगा रिप्रेजेंटेशन आएगा, है ना, तो इसको हम क्या कहें, इसके अंदर क्या कौन सी नाम में कौन सा वर्ड आता है, या तो एट आता है या आई आता है, इसको हम कहते हैं सल्फेट, क्या बोलते हैं, क्योंकि सल्फर से शुरू हुआ है सल्फेट, सल्फर से
और एक इसमें आएगा, एट आएगा ये आइट, इसको कहेंगे सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सल्फाइड। आइट आइट। अब इसमें अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं तो ज्यादा वाले में एट की बात आती है और कम वाले में आइट की बात आती है। जैसे ऐसे फॉर्म में चार ऑक्सीजन है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और जो ऑक्सीजन कम हो उसे क्या कहते हैं? आइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम का नाम तो आएगा, क्या बन जाएगा? एल्यूमिनेट। क्या? एल्यूमिनेट है ना। और देखिए आप पीओ फोर तीन एजेंसी है और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है पीओ टू, इसकी एजेंसी तीन है। जो ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव रेडिकल बनता है तो मैंने आपको अभी बताया दोबारा कि उसमें कहीं की आवाज आती है तो एट की आवाज आती है या आई की। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्या नाम होना चाहिए खुद ही सोचो? फॉस्फेट। ये सल्फेट ये हो जाएगा क्या? और क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है दूसरा वाला क्या कहलाएगा? फॉस्फाइट। क्या कहलाएगा? फॉस्फाइट। और देखिए एनओ थ्री इसमें दो पॉसिबिलिटीज नहीं होती, एनओ टू भी होता है, सॉरी एनओ टू भी होता है। yes. तो ये क्या कहलाता है? नाइट्रेट। क्या? नाइट्रेट। और वैलेंसी सेम है लेकिन ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी मैक्सिमम जितनी ऑक्सीजन होती है तो एक की बात आती है, उससे कम हो तो आइट की बात आती है। तो ये क्या कहलाएगा? नाइट नाइट। और खाली एन होता अगर कंपाउंड के अंदर वो होते नहीं तो क्या कहलाता? ऑक्सीजन नहीं होती तो कहीं की बात आती है ऑक्सीजन के साथ बना तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक में चार ऑक्सीजन से बनता और एक तीन ऑक्सीजन से, तो चार वाले में क्या मिलाएगा? वो सल्फेट। और तीन वाले में क्या मिलाएगा? सल्फाइड। ये पॉइंट समझ में आ गया आपके? कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये वैलेंसी आप याद कर लीजिए, इनके नाम आगे आप लिख लीजिए। पॉजिटिव है उनका पूरा नाम लेते हैं, जैसे कॉपर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉपर, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम। वहां पे कोई आवाज, ये जो आइट और एट और आइट की आवाज आती है नेगेटिव पार्ट के साथ आती है, कंपाउंड के कौन से पार्ट के साथ? अगर वो बिना ऑक्सीजन के बनाएगी पार्ट तो आई डी की आवाज आएगी, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बने तो दो पॉसिबिलिटीज है, ऑक्सीजन ज्यादा भी हो सकती है सब ग्रुप ऑक्सीजन है कम, और दो तरह के रेडी को बन सकते नेगेटिव पार्टी के। तो अगर ज्यादा वाला है तो कहीं की आवाज आएगी? एट की आवाज आएगी, और कम वाला हो तो आई की आएगी। ये बात समझ में आई नहीं आएगी? मेरे नाम इसमें लिखे नहीं है, क्लियर हो गई आपकी? अब एक और चीज समझ लीजिए, पॉजिटिव एलिमेंट जो मेटल होते हैं ये कभी कभी एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आयरन है कॉपर है, सबसे पहले कॉपर लीजिए, कॉपर कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉपर की 1B है 2B है। आप पूछोगे सर 2 कैसे हो गई? कभी वो एक इलेक्ट्रॉन देके रिएक्ट करता है, कभी दो, वो आप हायर क्लास में देखेंगे दो कैसे निकलती है क्या होता है। तो पहले आज से 40-50 साल पहले 20 साल पहले जो ज्यादा वैलेंसी वाले मेटल की वैलेंसी दो हो गई, तो ज्यादा वैलेंसी में इक की आवाज आती थी आईसी। क्या? इक। और कम वैलेंसी में कहीं की आवाज आती थी अस। तो कॉपर की वैलेंसी अगर ज्यादा है, दो वैलेंसी कॉपर की वैलेंसी दो होती है या एक होती है, तो अगर दो वैलेंसी तो नहीं कहलाएगा क्यूब्रिक। क्या कहलाएगा ये? और अगर वन वैलेंसी से कंबाइन कर रहा है क्यूब्रस। ये पहले था, ये आज से 10-15 साल पहले। आयरन की वैलेंसी दो भी होती है और तीन भी होती है, दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो जब दो वैलेंसी से कंबाइन करेगा तो दो वैलेंसी वाला जो कंपाउंड बनता था वो कहलाता था फेरस। क्या कहलाता था? कम वाली में। मैं उसको बच्चों को सिखाने के लिए कहता था अस,
अच्छे मैंने हम हमें अपने आप को कम समझना चाहिए इसे समझ में आए नहीं आए कम वाली में अस ज्यादा वाली में इत तो ये फेरस क्योंकि आयरन का जो नाम है ग्रीक लैंग्वेज में फेरम है तो ये जो वर्ड लिए गए अस और इक के ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए और तीन वर्ण सी होगी तो फेरिक बात समझ में आया फेरस फेरिक कॉपर का क्यूब रस अब ये आपकी विधायक तो मरकरी है मरकरी वन वैलेंसी से भी कंबाइन करती है और मरकरी दो वैलेंसी से ग्रीक लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं मरकरी आयन तो अंग्रेजी नाम है समझ में आया इसमें मतलब मरकरी यूज होता है ग्रीक वाला नाम या नाम यूज नहीं होता हालांकि सिंपल ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है तो इसको कहेंगे मर्क्यूरस और इसे क्या बोलेंगे मर्क्यूरिक अब ये जो कॉन्सेप्ट था सुन लो आगे घबराने की जरूरत नहीं ये जो 15-20 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था तो जब चेंजेस आई गई ये भी आसान बनाओ ऐसा बनाओ कि हर कोई आसानी से समझ सके तो पहला रूल तो ये बनाया कि नाम सारे अंग्रेजी में देने अब हम फेरम वर्ड यूज नहीं करेंगे वो याद कर लो तो मैं खत्म नहीं कर रहा डिस्कार्ड नहीं कर रहा कि नाम ये गलत हो जाएगा आज अगर बोलेंगे तो वो सही है आयरन का नाम को हम फेरम बोलेंगे वो गलत नहीं है लेकिन आसानी के लिए ऐसा लग यूज करो कि सारी दुनिया के लोग समझ गए तो जहीं आयरन आ रहा है उसको तो आयरन ही बोलेंगे फेरम अब उन्होंने उसमें आसानी क्या कर दी अगर उसमें दो वैलेंसी इन्वॉल्व है तो जितना वैलेंसी का नंबर है वो इटैलिक लैंग्वेज में उसके आगे लिख दो लिखने में बोलने में वैसी पड़ेगी जैसे इसको हम कहेंगे इसको मैं रख कर इसको हम कहेंगे इसको फेरस कहेंगे नाम किसका आ जाएगा अंग्रेजी वाला आयरन है ना अब इसकी वैलेंसी दो है तो लिखेंगे इटैलिक में दो रोमन वर्ड होता है रोमन लैंग्वेज में रोमन में दो कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना और तीन कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं तो इसको आयरन टू बोलेंगे क्या बोलेंगे और अगर तीन वैलेंसी यूज है तो लिखेंगे तीन रोमन में लिखेंगे रोमन में अगर आपने गलती से रोमन की जगह अरबिक न्यूमरल ये जो वर्डों से लिए अरबिक न्यूमरल कहलाते हैं अगर आपने लिख दिया इसको आयरन टू ये गलत दिया है ये रूल बना दिया तो ये टू थ्री फॉर्मूले में यूज होती है एक बार समझ में जब इसको हम लिखेंगे तो अंग्रेजी नाम के आगे कौन सा वर्ड यूज करेंगे जितनी वैलेंसी है उसके लिए और रोमन वर्ड यूज करेंगे रोमन ये के लिए टू और तीन के लिए ये बात समझ में आया जैसे फॉर में आपका ये जो है फॉस्फोरस फॉस्फोरस की एनर्जी 5 है तो हम इसको लिखेंगे फॉस्फोरस 5 ये 5 ऐसे लिखेंगे कितना इटैलिक में और हमने वो अरबी वाला 5 बना दिया अंग्रेजी में वो अलग हो जाएगा और उसको रूल के हिसाब से चलना है अब रूल को चेंज कर दो तो चीज अलग हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा इसको हम फेरस लेगा क्या कहेंगे आयरन टू क्या मतलब हुआ कि सिर्फ आयरन का एलिमेंट है और वैलेंसी कंपाउंड बनाए कितनी वैलेंसी से बनाए दो से बनाए ये आसानी के लिए हो गया अब फेरस हो अब जैसे इसको हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे मरकरी 1 और इसे क्या कहेंगे मरकरी 2 सिमिलरली Cu प्लस है इसे हम क्या कहेंगे कॉपर 1 और Cu पे दो चार्ज है तो क्या बोलेंगे इसको हम अब अस्वरिक में तो हम वैलेंसी का पता नहीं चल रहा ना हमें क्यूब रस का अस में वन वैलेंसी दो वैलेंसी क्या फेरस है और क्यूब रस भाई ये कम वैलेंसी है कौन कितनी कम वैलेंसी है फेरस की केस में 2 है हैं और क्यूब रस की केस में 1 है वो याद नहीं उसकी लेना तो आसानी के लिए क्या करा ठीक है पहले मैं इस सिस्टम में खत्म कर दिया कौन सा अंग्रेजी के अलावा नाम दूसरा
दूसरा जो वैलेंसी है उसकी दो वैलेंसी है, अगर एक ही वैलेंसी तो भी कोई नंबर नहीं लिखते, अगर एक ही जैसे सोडियम की वैलेंसी हमेशा वन होती है तो सोडियम के आगे हम वन ही लिखते, कैल्शियम की वैलेंसी हमेशा टू होती है तो कैल्शियम के आगे हम क्या नहीं लिखते, टू नहीं लिखते। ये सिर्फ कहां लिखते, जहां उस एलिमेंट की वैलेंसी एक से ज्यादा हो, क्या हो, बर्फ की वैलेंसी सिंगल ना हो, सिंगल से ज्यादा हो, तो अगर एक वैलेंसी है तो आगे वन लिख देंगे, इटैलिक में लिखने में, बोलने में खाली वन बोलेंगे, दो वैलेंसी तो आगे टू लिख देंगे और बोलेंगे क्या उसे, लिखेंगे टू इटैलिक में और बोलेंगे कॉपर, जैसे कॉपर है तो क्या बोलेंगे, कॉपर टू, आयरन होगा तो क्या बोलेंगे, आयरन टू। अब आयरन टू में हमें ये याद करने की जरूरत नहीं कि वो फर्स्ट फेरस है या फेरिक है, नॉलेज के लिए याद कर ले अच्छी बात है, तो इन चीजों को ये नहीं कहा बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा, ये तो फाउल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पुराने नाम है आप लिख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए बेटर क्या है जो नया सिस्टम शुरू हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आप देखिए आपकी किताब में किस तरह नाम दे रखे हैं, ना किताब में भी किस तरह नाम मिलेंगे, ये किताब भी कही हुई है, तो पॉइंट समझ। अच्छा दूसरी बात, ये जो नाम है असोरी वाले या वैलेंसी वाले, ये सिर्फ उन्हीं एलिमेंट के साथ है, मेटल्स के साथ है जिनकी वैलेंसी, जो पहली बात में पॉजिटिव आए हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले मेटल से, नेगेटिव में नहीं आते, ये वन और टू वर्ड कहीं नहीं आता, नेगेटिव में नहीं आता, नेगेटिव में जो तीन वर्ड यूज हो गए, अगर सिंगल एलिमेंट से रेडिकल बने नेगेटिव तो आई की बात आएगी, ऑक्सीजन से मिलके बना है, मतलब दो एलिमेंट से हमने एक ऑक्सीजन है, तो या तो एट की बात आएगी या आई की बात आएगी, वहां वन और टू नहीं आता, वन टू उन मेटल्स के साथ आता है जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सिंगल नहीं है, सिंगल से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों करते हैं, कभी दो कंबाइनिंग कैपेसिटी कभी दो होती है कभी तीन होती है, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लास, ठीक है, मैं हम डिटेल में नहीं जाता। तो अब ऐसी पॉसिबिलिटी की दो वैलेंसी पॉसिबल है, तो कब वैलेंसी, तो जो वैलेंसीज है वो लिखेंगे तो वो वैलेंसी नंबर आ गई टैलिक में, वो भी टैलिक में लिखना, गलती से आपने उसमें लिख दिया अंग्रेजी में अरेबिक न्यूमरल लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बोलने में हम वही बोलेंगे जो है, अगर एक है तो वन बोलेंगे, टू है तो टू बोलेंगे, थ्री है तो, चाहे वो लिखना ही टैलिक में होगा लेकिन बोलना नॉर्मल जो नॉर्मल तरीका जो पूछे बोलेंगे वो वैलेंसी साथ में बोलेंगे, मतलब अगर ये नहीं बोलेंगे तो हमें क्या, अगर हमें कहेंगे आयरन ऑक्साइड, समझ नहीं रही बात, तो अब ये अंडरस्टूड है, यहाँ दो वैलेंसी से कंपाउंड बनता है और वैलेंसी उसकी एक से ज्यादा है, तो वहां जो नॉर्मल वैलेंसी जो है उसमें नंबर अगर नहीं लिखा तो नॉर्मल वैलेंसी मान ली जाएगी, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आयरन दो वैलेंसी से कंबाइन करता है, तो उसको आयरन टू भी कह सकते हैं और खाली आयरन भी कह सकते हैं, लेकिन आसानी बेटर क्या है, आयरन टू बोलने में, क्या आयरन टू। अब उसको आगे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फाइड, सल्फेट है तो आयरन टू सल्फेट, आगे नेगेटिव रेडिकल का नाम आएगा, पॉइंट क्लियर हो गया आपके। तो ये जो वैलेंसी मैंने आपको दी है